हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। बहुत दिन हो गया होगा लेक्चर अपलोड किए हुए, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद बाहर हूँ और पहले भी बताया था कि कुछ दिनों तक नहीं अपलोड हो पाएगा, शायद बहुत दिनों तक ही नहीं अपलोड हो पाता। जनवरी में शायद आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट होता, बट यहाँ पे चलाने लगा। मैं कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ जिसके कारण ये सारा कुछ हो गया पॉसिबल है। यूट्यूब वगैरह चलाना, पूरा का पूरा गूगल चलाना, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं नीट के लिए, ठीक है, या कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं नीट के लिए। देखो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आप लोगों का होता है एक, इंजीनियरिंग क्या होता है, जेई। तो जेई का एक अलग आप लोगों का टॉपिक का जो होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए, मैग्नेटिक्स हो गए, और आप लोगों का सेमीकंडक्टर छोड़ दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स एंड रोटेशन, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं कि तीन चैप्टर से आप लोग 4 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन, 4 3 7 3 10, 20-25 क्वेश्चन आने वाले हैं जेई मेंस में, जिसमें कि आप लोग का 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही तीन टॉपिक में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। और 10 क्वेश्चन जेई मेंस में फिजिक्स में सही करके आना, इट मीन्स कि जेई मेंस आप लोग ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री में 10 कर लो, मैथ में 10 कर लो, खत्म हो गया, क्वालिफाई कर गए हो आप लोग, ठीक ना। कुछ ना कुछ एनआईटी अगर बोलते हो, एनआईटी मिलेगा क्या, हाँ कश्मीर मिलेगा, एनआईटी श्रीनगर जरूर मिल जाएगा, 120-130 पे, समझ में आ रहा। पर अभी जो एनटीए आया, तो उस एनटीए का सिचुएशन में बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो अभी नीट का बात करते हैं, तो नीट में हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या वो देखते हैं। तो नीट और जेई मेंस में टोटली फर्क था, ये पहले आप लोगों को क्लियर कर दे रहा था। तो पहला आप लोगों का फिजिक्स से बात करूंगा, तो फिजिक्स में पहला आप लोग मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक्स में जितना एम से, मैग्नेटिक्स मतलब एम, एम से जितना भी ई एम डब्ल्यू हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, ठीक है, या कंडक्टर, तो जितना भी मैग्नेटिक्स का टॉपिक्स है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक्स का टॉपिक्स क्लियर कर लो, क्योंकि मैग्नेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में आता है आप लोगों का, सेकंड में आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, एकदम रॉकेट, ये सारे कुछ हैं। एक होते हैं ना रॉकेट चैप्टर्स या रॉकेट पॉइंट्स, जो कि वहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 100% फिक्स्ड रहता है। और क्या क्वेश्चंस आएंगे वो भी फिक्स्ड रहता है। वो फिक्स्ड कैसे आप लोगों को मालूम चलेगा, क्या आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर बनाओ और क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उस फॉर्मूले को याद करो, ठीक है। सबसे अच्छा फंड है यही है फिजिक्स में, अगर जो जिनका फिजिक्स वीक है उनके लिए है, प्रीवियस ईयर का 20 साल का पेपर उठाओ, 20 साल का पेपर बनाओ, और उसमें जो फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं, ठीक है, और होगा 100% देखना कि जो 2003 में पूछा गया है वो 2017 में उसी फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया होगा, जो 2010 में पूछा गया है वो 2018, 2016, 2017 में पूछा गया होगा, 110% ये कंफर्म रखना। कुछ ना कुछ हर एक चैप्टर का नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे थर्मो हो गया, थर्मो से याद आया, हीट एंड थर्मो वाला चैप्टर, हीट एंड थर्मो, इसमें बहुत कुछ आते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में ही आप लोग लिख देता हूँ सेमीकंडक्टर, ठीक है। हीट एंड थर्मो में आप लोगों का बहुत चैप्टर आता है, जैसे कैलोरीमीटर आ जाता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आता है, हीट ट्रांसफर आता है, एंड लास्टली थर्मोडायनेमिक्स आते हैं। इनको एकदम अच्छे से पढ़ना है, और जितना बताया था मैंने वो लेक्चर देख लेना, फॉर्मूला मेरा नोट्स सारा कुछ डला हुआ है, उन नोट्स के बाहर अगर एक भी क्वेश्चन जाता है तो आप मुझे बताना, ठीक है। नोट्स का मतलब होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक ना, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब वो लोग कुछ भी पूछे भाई, कहानी तो कुछ भी उनका होगा, कहानी कोई नहीं पकड़ सकता फिजिक्स में, क्या कहानी वो लोग बना के देंगे। क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम होता क्या है, पहले ये सुन लो। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, उस क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में आपके सामने एक आंसर दिख रहा होता है, जो करेक्ट आंसर होता है ना वो आप लोगों को दिख रहा होता है कि हाँ ए मे भी करेक्ट हो सकता है, बी सी डी कुछ भी करेक्ट हो सकता है, जो कि आपके सामने है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहानी बनाया हुआ रहता है, कहानी ऐसा है कि मान लो आप हो, ठीक है, और आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, और आपके सामने एक वाल है, वाल से जा करके टकरा जाते हो, तो वो वाल मूव नहीं करता, उल्टा आप पीछे चले जाते हो, तो कितना रिजल्टेंट फोर्स वाल ने आपको लगाया कि आप पीछे मूव कर रहे हो, या कितना फ्रिक्शन वहां पे इस्तेमाल होगा कि आप पीछे मूव ना करो,
ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मैंने अपने से बना दिया, तो उस तरीका से कुछ भी वो लोग कहानी बनाएंगे, ठीक ना। तो वो फॉर्मूला एक होगा, स्पेसिफिक फार्मूला होगा उसके लिए, वो फार्मूला इस्तेमाल करो अब बन जाएगा। पर जेई मेंस रहता ना, तो जेई मेंस में स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ कितना भी आप लोग रट के चले जाओ, स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। हाँ करोगे पर लास्ट वाले तीन फार्मूला का इस्तेमाल होता है, और हाँ तीन ही जेई एडवांस में हो जाता है, तीन से ज़्यादा तीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। तीन कॉन्सेप्ट में पहला तो एक कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे वो लगेंगे। सेकंड में आप लोगों का काइनामेटिक्स लगेगा, काइनामेटिक्स नहीं तो आप लोग बोल सकते हो इनिशियल मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं ना वो होगा ही होगा। हर एक क्वेश्चन में जैसे 25 क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन में बेसिक मैथमेटिक्स की इस्तेमाल होगी, और थर्ड नंबर जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा होगा उसको चैप्टर्स का फॉर्मूला होगा, ठीक है। इतना सारा कुछ करने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट नीट में क्या है, नीट में एग्जामिनर को मालूम है कि भैया इनका 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मिनट, तो इसलिए आप लोगों को उस तरीका से नहीं दिया जाएगा। तो उसी तरीका से पढ़ो जिस तरीका का आपसे पूछा जाए। ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ लोगे और वहाँ जा करके सॉल्व करोगे, मिलने वाला कुछ है नहीं, ठीक ना। जेई एडवांस का पेपर नहीं लगाना है, बस यही बोलना था और कुछ नहीं। जेई मेंस का लगाना है तो 100% लगाओ। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जेई मेंस का केमिस्ट्री और फिजिक्स लगा के जाओ, जिनको एम्स क्लियर करना है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। और जेई एडवांस भी कर सकते हो, एम्स के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत बेनिफिट होगा यार। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, हल्के फुल्के घुमाए हुए होंगे ही होंगे एम्स में, ठीक ना। पर क्वेश्चन आप लोग देख करके जाओगे ना, तो वहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगेगा वहाँ पर। हाँ बना के आया हूँ, थोड़ा मोड़ा घुमाना फिराना है, बन जाएगा और एम्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को पढ़ो ना तो SHM एंड वेव को साथ में पढ़ना, लिख देता हूँ यहाँ SHM एंड वेव्स, ठीक है। ये चार चैप्टर ऑप्टिक्स में, एक तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आएंगे, और सेकंड आप लोगों का 11th क्लास का SHM एंड वेव्स। ये जो चार चैप्टर है एक साथ में पढ़ना। अगर मुझसे पूछ रहे हो कैसे करना, तो ये चारों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ो, मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। पहले SHM कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद क्या करो कि वेव्स कंप्लीट करो। जैसे ही वेव्स कंप्लीट करो, वेव ऑप्टिक्स पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, वेव ऑप्टिक्स पे। फिर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करो, रे ऑप्टिक्स को लास्ट में पढ़ो। पहले SHM, वेव ऑप्टिक, वेव्स, फिर वेव्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद रे ऑप्टिक्स। बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि SHM पढ़ लोगे तो, SHM जैसे ही पढ़ लोगे तो आधा से ज़्यादा आप लोगों का फॉर्मूला क्लियर रहेगा। वेव ऑप्टिक्स में जाओगे, वेव ऑप्टिक्स क्लियर कर लिए तो ये जो वेव, सॉरी वेव SHM, वेव मोशन वाला क्लियर कर लिए तो वेव ऑप्टिक्स में जाओगे। वेव ऑप्टिक्स में जाओगे ना तो मजा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जैसे आई होता है, आई निकालना होता है, तो वो आई आपको यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, इंटेंसिटी, ठीक है, समझ में आ रहा ना। वो चीज़ यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ का थोड़ा सा थोड़ा इससे सेम सेम मिलता रहेगा, ठीक है। और वेव में क्या क्वेश्चन पूछेगा आज मैं बता देता हूँ। डिफ्रैक्शन से एक क्वेश्चन रहेगा, और पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन रहेगा, और एक इंटेंसिटी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये तीन, मुझे लगता है ये तीन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। पाँचवा नंबर पर आप लोगों का आता है काइनामेटिक्स भाई, ठीक कर लेना, ठीक है, काइनामेटिक्स पूरा का पूरा अच्छा कर लेना। काइनामेटिक्स अच्छा हो गया तो बताता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, और आप लोगों का कोलिजन इसी के साथ, ये बहुत ही अच्छा खत्म होगा। सिक्स नंबर पे रोटेशन लो, इतना किसको करना है जिनका फिजिक्स सवा बटा लूल है, ठीक है, सवा बटा लूल है जिनका, मतलब सिर्फ बेसिक्स क्लियर है, पूरा हाई लेवल पे क्लियर नहीं है कि हम लोग जा करके 45 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट करके आए। तो इतना क्वेश्चन कर लोगे तो आपका फिजिक्स आराम से हो जाएगा। यहाँ से आएगा 4 to 5 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर 6 to 7 क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 5 to 7 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स SHM एंड वेव्स, ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम है ये, मैक्सिमम है, किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन कम होगा अगर मिनिमम का, मैक्सिमम इतना ही जाता है, ठीक है। काइनामेटिक्स कर लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन, तो एक क्वेश्चन कोलिजन से आएगा, नीट 2020 में लिख लियो। वर्क एनर्जी पावर से 3 से 2 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन लेते हैं, 3 × 4 = 4, 2 = 6 हो गया मैक्सिमम, 3 × 2 = 5,
पांच हो गया मिनिमम, ठीक है। काइनामेटिक्स को ले लो, काइनामेटिक्स भी इंक्लूड कर लो, तो मिनिमम कर लो 7 और मैक्सिमम कर लो 8, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतना हो गया। एंड रोटेशन 4 क्वेश्चन टू 2 क्वेश्चन, नीट है ना, नीट में 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप काउंट कर लो, मिनिमम काउंट करते हैं, मैक्सिमम को साइड रखते हैं। 4 + 6 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 7 = 22, 22 + 7 = 29, 29 + 2 = 31। एक बार फिर से कर लेता हूँ क्योंकि एक बार मिस्टेक हो चुका है। 4 + 6 = 10, ठीक है। 10 + 5 = 15, 15 + 7 कितना हो गया, 15 + 7 = 22, 22 + 7 = 29, 29 + 2 = 31, एकदम 31 है एग्जैक्ट। 31 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। 14 to 15 चैप्टर्स हैं क्लियर करना है। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स में ही आते, सब एक ही जैसा है, ठीक है। क्लियर कर लो तो बन जाएगा। सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से ही पूछे जाते हैं। बात रही है मॉडर्न फिजिक्स का ना, तो लड्डू आएंगे लड्डू। फॉर्मूला पढ़ के जाओ, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ के जाओ, कॉन्सेप्ट समझ के जाओ, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे अगर फॉर्मूला डला होगा 100%, अगर मगर नहीं, 100% डला हुआ है मॉडर्न फिजिक्स का और बहुत अच्छा वाला डला हुआ है, वो फॉर्मूला आपको किसी नोटबुक में, इंडिया के नोटबुक में नहीं मिले, इंडिया का कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन से बनाया गया, ठीक है। 2017 में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2017-18, उससे बनाया गया उस फॉर्मूला को। मॉडर्न फिजिक्स मीन्स नॉट मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व होगा, मैग्नेटिक्स इन्वॉल्व होगा उसमें, और प्लस मॉडर्न फिजिक्स, 3 चैप्टर इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स को मिला करके एक फॉर्मूला का नोट्स बना, ठीक है। वो है फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे डला हुआ है, तो आप लोग देख लेना, क्लियर है। पेपर नहीं आएगा यार, नीट 2019 का उठा हुआ पेपर जितना दिया था फॉर्मूला देख लो, मिला करके पूरा पूरा रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स सारा कुछ मिला करके देख लो, क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि पेपर, मैंने पेपर पहले भी डाला था और अभी भी डालता हूँ, आप लोग पेपर उठाओ मैच करवा लो। अब पूरा मीन्स 45 का 45 मत सोच लेना, जो ये टॉपिक्स है ना उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे टॉपिक्स में से क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्टली पूछे गए थे, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स का, फटाफट आते बायोलॉजी का, तो क्लियर है। बायोलॉजी का 6 चैप्टर बताऊंगा, 6 यूनिट बताऊंगा। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट देख लेना, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट देख लेना, जेनेटिक्स वाली पूरा का पूरा, इवोल्यूशन इंक्लूडिंग इवोल्यूशन देख लेना। थर्ड नंबर में इकोलॉजी देख लेना। फोर्थ नंबर में सेल देखो, सेल वाला। एंड फिफ्थ नंबर ह्यूमन फिजियोलॉजी। सिक्स नंबर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, जो लिविंग वर्ल्ड है ना, लिविंग वर्ल्ड देख लेना। एंड सेवन्थ नंबर में एक और चैप्टर छूट रहा, आप लोग सोच रहे होगे प्लांट फिजियोलॉजी, नहीं प्लांट फिजियोलॉजी नहीं, 10 से 12 ही पूछे जाएंगे, 10 से 12, 8 से 10, 14 से 16, 10 से 12, ठीक है। और कौन से चैप्टर है, एक चैप्टर है कुछ छूट रहा है, वो याद आएगा तो बता दूंगा। तो 10 10 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 और 10 60 + 2 62 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने करके आप लोग चले जाओ, ठीक है। एक और है टॉपिक जो कि 70+ आपका करवा देगा, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर देख लेना, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर वाला टॉपिक देख लेना, यहाँ से भी इजी क्वेश्चन, इजी कहाँ से आते, तो सब तो इजी ही आता है बायोलॉजी में। अभी इसमें गया यार, मेडिकल की बुक पढ़ोगे ये सब वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो अब इतना पढ़ने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये आप लोगों का हो गया 62 क्वेश्चन, ठीक है, 62 क्वेश्चन हो जाए, बाकी ह्यूमन वेलफेयर बचता है। बात रहा प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या करना है, जिनका नहीं अच्छा से समझ में आ रहा तो एनसीईआरटी की एक आप लोगों का ये आता होगा बुक, एग्जाम्पलर कुछ करके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, बाकी एनसीईआरटी को एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ लो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ लो, खत्म हो गया, ठीक है। क्या करना है, यही करना है, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बन जाएगा आपका सारा क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन
मतलब सारा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि तीन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बॉस प्लांट फिजियोलॉजी, इसलिए इसमें नहीं लिखा, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे और मेहनत है बहुत ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा इससे, इस में से जैसे मान लो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड से 10 गुना ज़्यादा मेहनत है प्लांट फिजियोलॉजी में, पर क्वेश्चन मिलेंगे 6 से 7, इसमें मिलेंगे 10 से 12, 12 से 20 नंबर का फ़र्क है, तो इसे अच्छा है कि ये कर लो ना, आसान भी है और आपका मार्क्स भी बैठेगा, ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करो। फिर आप लोगों को क्या बचता है, फिर आप लोगों को छोटा छोटा टॉपिक मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बच जाता है, फिर आप लोगों का ह्यूमन वेल्थ बायोटेक्नोलॉजी बच जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कर लो, बायोटेक्नोलॉजी के बाद कितना हो गया, 7, 8, 9, 10 खत्म हो गया, ये तो है 10 यूनिट। अब आते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक यार बार बार बोलता हूँ, पढ़ लेना उसे, जो 1.5-2 घंटे में एक बार देख लो, 1.5 घंटे में आपका कुछ जाएगा नहीं, आपको बेनिफिट ही होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। जो रिवीजन टाइप हुआ होगा देखना, ऑर्गेनिक इन 1 शॉट और 2 शॉट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड किया, वो एक बार देख लेना फिर। और हाँ, उसमें बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उस लेक्चर में, पुराना लेक्चर है, 2019 के लिए बनाया था, बोला था ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, और पेपर उठा के देख लो 2019 का आया था कि नहीं आया था, ठीक है। स्टार मार्क किया था मैंने सारे पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे स्टार मार्क करता हूँ तो एक क्वेश्चन मतलब आ सकता है, ठीक है। तो वो आज भी, कल भी इम्पोर्टेंट है, आज भी इम्पोर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना, ऑर्गेनिक में सारे चीज इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो, बायो मॉलिक्यूल्स हो, पॉलीमर्स हो, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी छोड़ के जा सकते हो, कुछ नहीं छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक देगा 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन ये याद रखना। अब इसमें क्या देगा वो भी बता देता हूँ, GOC 1 एंड 2, ठीक है, सेकेंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कर लो, एंड थर्ड नंबर में आप लोगों का एक हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन होगा, ठीक है। इतना कर लिए तो आप लोगों का 9 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 9 क्वेश्चन, 9 नहीं 7 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से 3 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक और कार्बोनिल कंपाउंड जो है वहां से मिला जुला के टोटल 3 टॉपिक है ना, या 2 टॉपिक, अल्कोहल, फिनोल एंड इथर, एल्डिहाइड, केटोन एंड कार्बोक्सिलिक, ये 2 वो है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या 3 भी आ सकता है, तो यहाँ पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना पूछा जाएगा। बात रहा पॉलीमर्स, बायो मॉलिक्यूल्स एंड इन्वायरमेंटल, एक क्वेश्चन इतना याद रखो, तो 3, 3, 6, 6, 3 ने और ने, छ ने और +7 16 हो रहा, पर 16 आएगा नहीं ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से मिला जुला करके 12 से 14, मैक्सिमम 14 to 15 जाएंगे, ठीक है, जैसा मैंने पैटर्न देख करके बता रहा हूँ और कुछ नहीं। पर हाँ याद रखना, यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 3, 1, 2 कुछ भी पूछ सकता है, कार्बोक्सिलिक से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे चलेगा, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, फिनॉल से पूछे या ना पूछे चलेगा, इथर से पूछे या ना पूछे चलेगा, ठीक है, अल्कोहल से भी पूछ सकता है, ठीक है, पर नाइट्रोजन कंटेनिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, GOC से एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, XYZ जो भी है पूछेगा ही पूछेगा, हाइड्रोकार्बन से अगेन क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो, आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन पेपर यहाँ से बना, पर बनता है यहाँ से, इसको इन्वॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है, GOC का पार्ट को, क्लियर है। सेकेंड में आता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग इम्पॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है, पी ब्लॉक उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, इतना कर लो तो आप लोगों का इनऑर्गेनिक हो जाएगा। बात रही डी एंड एफ ब्लॉक का, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा था 2018 में, कलर कुछ पूछेगा, वो सारा तो कोऑर्डिनेशन में ही कवर हो जाता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ से डी एंड एफ ब्लॉक में भी दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेना, डी एंड एफ ब्लॉक उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड लास्ट एस ब्लॉक, ठीक है, और मेटलर्जी, बस यही 3 बचते हैं इम्पोर्टेंट, सबसे बोलोगे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, बाकी क्वेश्चन आएंगे तो इस ब्लॉक से भी, मेटलर्जी से भी और उससे भी, तो यहाँ से कितने 10 से 12 से 13 क्वेश्चन, मे बी 13 से 14 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन लेकर के चलो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में 14, 12 कुछ ऐसा ही रहेगा, पेपर उठा के देख लेना।
इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पकड़ लेता है ना, 2018 में कोऑर्डिनेशन से 6 क्वेश्चन थे, 6 या 5 क्वेश्चन थे। केमिकल बॉन्डिंग से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5-3-8 हो गया। पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछ देंगे तो वहाँ से हो जाएगा। एस ब्लॉक से 1 क्वेश्चन रहेगा, डी एंड ए ब्लॉक से 1, और मेटालर्जी से तो बढ़ जाता है। यहाँ पर बात रही अब फिजिकल की, फिजिकल अगर पढ़ते हो तो पूरा का पूरा PIP पे डिपेंड हो जाओ, ठीक है। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक मैं तो यही बोलूँगा, आपको जो पढ़ना पढ़ो, पर फिजिक्स इन प्लेग्राउंड के लेक्चर मत छोड़ो। जेई मेंस के ऊपर डला हुआ हो, मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया हो, या जेई एडवांस का पेपर सॉल्व करवाया हो, या नीट का पेपर हो, या जो भी पेपर हो, क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करवाया हूँ ना लेक्चर में डले हुए हैं, उन क्वेश्चन पेपर को 100% देख लेना, उनको नहीं छोड़ना भाई, ठीक है। खत्म हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। मैंने जो सॉलिड स्टेट का अपलोड किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इक्विलिब्रियम डायरेक्ट पूछा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डायरेक्ट पूछा है, उसके बाद क्या आता है, केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम बता ही दिया, डायरेक्ट ही आया था सॉलिड स्टेट। केमिकल काइनेटिक्स डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट है, ठीक ना। कुछ कुछ तो डायरेक्ट मीन्स कॉपी पेस्ट, केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं था, सिर्फ जा करके यहाँ पे जो बनाया था वहीं पे जा करके ऑप्शन देख करके मार के आ जाना था, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स हो गए, और सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्या क्या मैंने नहीं बताया, सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप लोगों को करना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, तो मोल कॉन्सेप्ट आप लोग कर लेना। और क्या बचता है, और आप लोगों का चैप्टर्स तो कुछ बचता है, हाँ थर्मोडायनेमिक्स बचते हैं, थर्मोडायनेमिक्स देख लो पेपर जा कर के, ठीक है। यही कुछ है, 7-8 चैप्टर हैं, आप लोग कर लो फिजिक्स इन प्लेग्राउंड के क्वेश्चंस, ये तो मस्ट है, करना ही करना, जबरदस्ती आप लोगों को, ठीक ना, टाइम लगे या ना लगे, ठीक है। क्योंकि इस बार यार, इस बार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया जो भी हो गया, इस बार कॉलेज में होने चाहिए, अगले साल नीट 2020 में कॉलेज में आप लोग होना चाहिए। दीपावली और छठ पूजा और दुर्गा पूजा, ठीक है, सारा का सारा कॉलेज में होना चाहिए। दुर्गा पूजा कॉलेज में मत मनाना यार, दुर्गा पूजा और छठ कॉलेज में प्लीज मत मनाना, वो तो इंजॉय की चीज़ है, घर में आके मनाओ, हाँ बट कॉलेज में छुट्टी लेकर के आना, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब कोई एक्सक्यूज मत मारना, और नहीं तो छोड़ देना मेडिकल की लाइन, सिंपल बात ये, थोड़ी कड़वी लगती है बट ट्रुथ है बॉस। कितना करोगे यार, एक एज लिमिट भी है ना, और लाइफ में कुछ करना भी है, कुछ आगे की भी लाइफ है, फ्यूचर, अब शायद उतना मैच्योरिटी वाली बात आप लोग मे भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, जितना चैप्टर्स बताया पढ़ लो और फोड़ दो एग्जाम को, और कुछ नहीं चाहिए इससे एक्स्ट्रा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।